आयटमगल राखी सावंत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे. उत्तर पश्चिम मतदारसंघातून राखी निवडणूक लढवणार आहे. खुद्द राखीनं याबाबतची घोषणा केली. उद्धव आणि राज ठाकरे हे दोघेही मासे भाऊ आहेत आणि उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक लढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्याचं राखीनं सांगितलं. यासंदर्भात तिच्याशी बातचीत केली आमच्या प्रतिनिधी शिल्पा दास यांनी. हमारे साथ है राखी सावंत, जिन्होंने पूरी तैयारी कर ली है नारी के सम्मान के लिए लड़ने की और जो लोकसभा इलेक्शन में खड़े होने जा रही हैं. तो राखी, सबसे पहले ये बताइए कि आपने फैसला जो लिया है अचानक कि राजनीति में आना है, तो किस पार्टी से आप खड़ी हो रही हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, बिल्कुल नारी के सम्मान के लिए अब एक नारी खड़ी हो रही है. अब मैं आ चुकी हूँ, इसलिए मैं देश की जनता को, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो नॉर्थ वेस्ट है, उन सबको कहना चाहती हूँ, जितने भी जो लड़की को छेड़ते हैं या उन पे बुरी नज़र करते हैं, उन सबको कहना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों, देश होगा तब महान जब होगा नारी का सम्मान. आपने बीजेपी को काफ़ी सपोर्ट किया था और उनकी तरफ से आपको टिकट भी दिया गया, तो आपने वो टिकट क्यों लौटा दिया, क्या वजह थी? देखिए, सपोर्ट तो मेरा बीजेपी को आज भी है, ऐसा नहीं है, मैं उनसे खफा नहीं हूँ और मैं बहुत इज्जत करती हूँ बीजेपी की, और उन्होंने मुझे टिकट भी दिया था, मैंने लौटा दिया, मुझे नहीं चाहिए. मैं पैराशूट कैंडिडेट नहीं बनना चाहती हूँ कि ऐसी जगह से जहाँ पे लोग मुझे नहीं जानते हैं. अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि राजनीति में आने के लिए उद्धव जी ने आपका बहुत सहयोग किया है और उन्होंने कहा था कि केजरीवाल से अच्छी सरकार जो है राखी सावंत चला सकती है, तो उसके बारे में क्या आप? जी बिल्कुल, उद्धव जी को डेफिनेटली सपोर्ट करती हूँ मैं, कि उन्होंने ही कहा कि उनके ही शब्द थे सामना न्यूज़पेपर में कि राखी सावंत बेहतर सरकार चला सकती है. Z24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.